आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। ऐतिहासिक नगर परिक्रमा 25,000 से अधिक श्रद्धालु हुए शामिल। आस्था की देखे तस्वीर। श्री गुरु राम राय जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज के लगे जयकारे। श्री झंडे जी आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में संगतों ने दून नगर की परिक्रमा की। श्री दरबार साहिब परिसर से नगर परिक्रमा आरम्भ हुई। यहाँ से तिलक रोड, टैगोर विला, घंटाघर व घंटाघर से पलटन बाजार होते हुए लखीबाग पुलिस चौकी से रीठा मंडी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बॉम्बे बाग पहुंची। श्री दरबार साहिब के झंडा महोत्सव के सह व्यवस्थापक विजय गोलाटी ने बताया कि परंपरा अनुसार श्री झंडे जी आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। नगर परिक्रमा में श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में संगत दून नगर की परिक्रमा करती है। नगर परिक्रमा में 25,000 से अधिक संगत शामिल हुई। नगर परिक्रमा श्री दरबार साहिब से प्रारंभ होकर सहारनपुर चौक कंबली रोड होते हुए श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बिंदाल पहुंची। इसके बाद ब्रह्मलीन श्री महंत साहिबान के समाधि स्थल पर मत्था टेकने के बाद सहारनपुर चौक होते हुए दोपहर 12 बजे नगर परिक्रमा श्री दरबार साहिब वापस पहुंचकर संपन्न हुई। श्री झंडे जी के आरोहण के बाद रविवार को भी श्री दरबार साहिब परिसर में संगत की चहल पहल रही। देश विदेश से आई संगत के साथ रविवार को भारी संख्या में देहरादून नगर वासियों ने भी श्री झंडे जी पर शीश नवाया। संगत ने श्री झंडा साहिब और श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और मनौतियाँ मांगी। सुबह से ही श्री दरबार साहिब के सज्जादे गद्दी नशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के दर्शनों के लिए संगत कतारें लगाई खड़ी रही। श्री महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए व आशीर्वाद दिया। परंपरा के अनुसार श्री झंडे जी आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा के लिए संगत पहुंची। नगर परिक्रमा देहरादून के नगरवासियों के लिए भी ऐतिहासिक क्षण होता है, जब देश विदेश की संगत उनके बीच होती है।